नमस्ते स्वागत है आपका इस वीडियो में और आज आपका एट ऑफ मे और आज का जो इम्पोर्ट न्यूज है वो हम चेक करेंगे उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर को दिया कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट को सेक्शन में बता सकते हैं सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम कवर करेंगे एंड आई ट्राई टू मेक रेगुलर वीडियोज टू बी अर्नस्ट क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा था कि जो डॉक्टर एश शुक्ला है उन्होंने वीडियो बनाना बंद कर दिया तो बहुत सारे पता नहीं क्योंकि जब मैंने शुरू किया था एक्चुअली मैंने सर्च किया था तो शी शिवज दी वन एक्चुअली उनसे जो है मैं लेआउट देख के इंस्परेशन लेके मैंने शुरू किया था

सो दैट इज़ समथिंग एंड चलिए मूव करते हैं गवर्नमेंट टेक्स क्लोजर लुक एट इंफ्रा प्रोजेक्ट लोन्स तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि आरबीआई बोल रहा है कि भाई आपको हायर प्रोविजनिंग करना पड़ेगा हायर प्रोविजनिंग क्या होता है प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि सिंपल भाषा में कि जो बैंक होता है बैंक का बिजनेस क्या होता है बैंक का बिजनेस होता है लैंड इंग लैंडिंग का मतलब पैसा आपने उधारी दिया है तो वो कॉरपोरेट लोन हो सकता है आपका रिटेल लोन हो सकता है रिटेल लोन के अंदर अलग अलग तरीके के होम लोन ऑटो लोन ये सारे जो होते हैं अलग अलग तरीके के लोन होते हैं तो उसमें एन होता है डेफ़िटली आपको एन पी आई का कॉन्सेप्ट पता होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी बहुत बार ये होता है कि सोचिए कि आपने सौ लोगों को लोन दिया है सौ लोगों में से दो जन तीन जन जो होंगे वो आपका फॉर एग्जाम्पल लोन पे बैक नहीं कर पा रहे हैं या डिफ़ॉल्टर हैं तो डिफ़ॉल्टर अगर हो जाते हैं तो वो तो आपको बाद में राइट ऑफ कर देना पड़ता है ना राइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपको वो लॉस पहले से पकड़ के रखना पड़ता है कि मेरा सौ में से दो लोन जो है वो खराब जाएगा वो हर बिजनेस में ऐसे ही होता है तो यहाँ पे उसको पैसा जो उसका इनकम होता है बैंक का जो इनकम होता है तो वहाँ से उसको ऑफसेट करने के लिए उसको पैसा जमा के रखना पड़ता है कि भाई मेरा जो है दो कस्टमर ऐसे मेरे को चुना लगाने वाला है तो मुझे सेफ्टी एज अ सेफ्टी नेट या मार्जिन बोल सकते हो कि मुझे पैसा जमा करके रखना है सो दैट इज़ द बेसिक कॉन्प्ट ऑफ प्रोविजनिंग प्रोविजनिंग का मतलब ये होता है कि बैंक जो है वो देखता है कि मैं तो लोन देने वाला हूँ तो इस साल में जिस जो मेरा इनकम हुआ है फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि दो मेरा इनकम हुआ है अगले साल मैं सोचो सोची कि एक सौ लोगों को लोन देने वाला हूँ तो वहाँ से मेरा दो लोग जो है मेरे को डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो मेरा दो हज़ार रुपये इनकम हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वहाँ से कुछ पैसा जो है मैं अलग से रखूँगा उसको मैं के में या अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा उसको मैं बिज़ी नहीं रखूँगा उसको मैं फ्री रखूँगा कि जब मेरे को चाहिए होगा पैसा तो फिर क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सौ लोग पैसा देंगे बट सौ लोगों में दो लोग नहीं दे पाएंगे तो वो पैसा तो शॉर्टेज हो जाएगा तो शॉर्टफॉल को मैनेज करने के लिए आपका प्राइमरी प्रोविजनिंग जो होता है वो फीचर आपका इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपका जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके या लॉस का अगर कोई इशू होता है तो वो कैश क्रंच हो या कोई भी अगर फाइनेंशियल इशू हो तो उसको मैनेज कर सके तो यहाँ पे आरबीआई ने बोला कि भाई यहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा अभी रिसेंटली आज जो न्यूज़ है वो वहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो है अब पहले जो जितना कंप्लीट हो रहा था उतना कम्प्लीट नहीं हो रहा है अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट का जो है ओवर हो रहा है और जब भी ओवर होगा अगर टाइम लाइन ओवर रन होगा तो टाइम लाइन के साथ साथ तो और एक चीज आपका ओवर रन होने वाला है वो है आपका कॉस्ट तो कॉस्ट जब भी ओवर ओवर रन होगा तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं बहुत सारे आपका फाइनेंशियल जो आ, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टेंडर देती है गवर्नमेंट भी खुद पैसा उठाती है तो इस जगह पे जो है गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा लॉस होता है तो गवर्नमेंट को कौन लोन देता है आइया वो बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाता है या फॉर एग्जांपल मतलब ये एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड होते हैं तो आरबीआई ने बोला कि भाई हाइय प्रोविजनिंग करना पड़ेगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे आपने रिसेंटली देखा था कि लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड बैंक्स एंड लेंडर्स आर लाइकली टू अपोज दिस ड्राफ्ट रूल्स बिकॉज इसमें क्या होगा कि आपका जो फ्री पैसा होता है यानी फॉर एग्जाम्पल फाइव परसेंट जैसे यहाँ पे पॉइंट फोर परसेंट या पॉइंट थ्री परसेंट जो भी है या फोर परसेंट है जो भी है फोर परसेंट अगर आपका प्रोविजनिंग था ठीक है फोर परसेंट से अगर आप उसको फाइव परसेंट करते हैं तो वन परसेंट जो है वो बैंक को मैंडेटेड अगर करते हैं तो उसको पैसा अलग से रखना पड़ेगा और पैसा अगर अलग से रखना पड़ेगा तो वो पैसा तो उसको चाहिए होगा ना तो पैसा तो उसको चाहिए होगा अगर, तो हो अगर पैसा नहीं है मतलब इट विल नॉट हैव द फ्री मनी तो बैंक ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे लेंडर्स भी नहीं चाहेंगे तो वो चाहते हैं कि भाई हमारा जितना भी पैसा होगा हम जो है मार्केट में डालना चाहते हैं ताकि वहाँ से हमारा ज़्यादा इनकम हो सो हाई प्रोविशनिंग रिक्वायरमेंट्स को लीड टू राइज इन इंटरेस्ट रेट बिकॉज क्योंकि जो कंपनी जो बैंक्स है उनका जो मार्जिन है मार्जिन uh, कम होगा एन आई एम कम होगा एन आई आई कम होगा तो उस वो कम होने से वो क्या करेंगे वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लोन जो है उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इसके वजह से आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स है उसका जो डीलेल होने के चांसेस हैं डेफिनेटली ये हो रहा है द्राफ्ट रूल्स एम्स टू स्ट्रेंथन रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लोस बट मे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सो यह सारी चीजें आपको थोड़ा तो सा ध्यान रखना पड़ेगा क्या आपको यह डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगा बट ये सारे जो है वो फाइनेंशियल uh, बैंक्स को इम्पैक्ट करने वाले हैं जो आपका इस uh, क्यों ये लॉ जो है वो बैंकिंग सेक्टर में आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा और इन्फोर्स किया जाएगा तो जो बैंक्स होंगे उनके उनका जो नेट इनकम है या रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस होने वाला है और उनका जो मार्जिन है वो रिड्यूस होगा समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ ई जो है इट इज़ लुकिंग फॉर लीगल व्यू फॉर एस पी प्रोमोटर्स फिफ्टीन थाउजेंड लोन तो यहाँ पे फिफ्टीन थाउजेंड लोन नहीं फिफ्टी थाउजेंड करोड़ का जो है वो आपका सप्जी पलंजी जो है वो पैसा मांग रहे हैं वो पैसा उठाना चाहते हैं अगेंस्ट वॉट जो उनका शेयर होल्डिंग है एटीन पॉइंट थ्री सेवन परसेंट का जो शेयर होल्डिंग है और सप्पुर जी पलोंजी एक्चुअली इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम क्योंकि वो अपना डेट जो है वो सेटल करना चाहते हैं डेट को जो है रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं और रिसेंटली उनका शायद से कोई एक बॉन्ड जो है वो मच्योर करने वाला है उसको अगर रोल ओवर करते हैं बॉन्ड को जब भी आप रोल ओवर करते हो इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड मच्योर हो रहा है आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसका उसको आप रोल ओवर करना चाहते हो तो जब भी आप रोल ओवर करते हैं तो फिर वहां पर आपको नेगोशिएट करना पड़ता है इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट और वहाँ पे आपको ज़्यादा देना पड़ता है रिसेंटली ये जो सबपुर जी पोलजी का जो है वहाँ पर नियर अबाउट एटीन टू नाइनटीन परसेंट आपका जो है कूपन रेट है विच इज़ एब्सोल्युटली वेरी वेरी हाई और रिसेंटली आपने देखा था उड़ीसा में जो पोर्ट है इनका जो पोर्ट है वो अडानी अडैनी उन्होंने बेच दिया और ये एसेट री सॉरी एसेट री रिस्ट्रक्चरिंग जो है उसमें ये ज़्यादा फोकस कर रहे बिकॉज दे वॉन्ट टू रिड्यूस दैट डेट ताकि uh, जो डेट तो रिड्यूस अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हैं और डिफॉल्ट जब भी होगा तो फिर एन में जाएगा तो फिर ये कंपनी के लिए भी खराब है और कंपनी जो बिहेवियर अभी देखने को मिल रहा है दे डू नॉट वांट टू डिफॉल्ट बिकॉज डिफ़ॉल्ट करेंगे तो शपुर जी पलोजी इज़ इज़ अ वेरी रेप्यूटेबल कंपनी एंड अ रेप्यूटेबल हाउस और वो नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा हो और आई थिंक आयेलैंड का सबसे लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल इस्टेट कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इज़ शपोर जी या पलोंजी ग्रुप सो लीगल व्यू इसलिए देख रहे हैं कि भाई इनको लोन दिया जा सकता है या नहीं दे दिया जा सकता है या लोन का जो अप्रूवल है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा गूगल जो है वो एन में उन्होंने आर्ग्यू किया एन सी एल ए सॉरी एन सी एल टी ने एन सी एल ए टी उनके ऊपर जो है फ़ाइन भी लगाया गया था प्रीमर्स अभी तक उन्होंने पे नहीं किया तो गूगल बोल रहे हैं कि भाई हम जो है कोई एंटी एन कॉम्पिटेटिव या हमारा जो है मोनोपोली ऐसा बिजनेस नहीं है बट एक्चुअली में मोनोपोली है और यहाँ पे वो इसलिए उसको प्रूव नहीं मतलब यहाँ पे वो आर्ग्यू इसलिए रहे हैं बिकॉज अगर वो मोनोपोली हो जाता है सो गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू कंट्रोल एंड बेसिकली स्प्रिट दी बिजनेस फेमस एग्जाम्पल जो है आपका रॉकाफिलर स्टैंडर्ड ऑयल तो स्टैंडर्ड ऑयल जो है इट बिकेम अ मोनोपोली एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका एंड देन द कंपनी वॉज ब्रोकन इन टू डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज शेवरन इज़ वन पार्ट ऑफ इट तो स्टैंडर्ड ऑयल जो है उसको तोड़ा गया था तो so, मोनापली जब भी आप हो जाएंगे तो गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहते कि मार्केट में मोनापली हो इसलिए टेलीकॉम सेक्टर में अब मोनापली कभी नहीं होगा डोपली है uh, अभी जो है जो सिस्टम है इवन ओ टी टी प्लेटफॉर्म में भी आप देखोगे देर विल भी डो अपली दैट इज़ एक साइड में आपका रिलायंस का जो जियो सिनेमा है वो रहेगा और दूसरे साइड में आपका छोटे छोटे जो प्लेयर्स हैं वो आस्ते आस्ते कंबाइन होकर एक साथ आ जाएंगे जैसे आपका uh, स्टार हो गया ठीक है और फिर उसके बाद जी हो गया ये सब कम्बाइन होकर ग्रुप बना के दे आर गोइंग टू कंपीट और उसी तरीके से अगर हम देखते हैं आपके पास अगर सर्च इंजन है सर्च इन सर्च इंजन में भी डेफिनेटली देर इज़ मोनोपली ऑफ गूगल यूट्यूब भी जो है वीडियो शेयरिंग में भी है मोनोपली गूगल का है बट टू अ अर्टन एक्सटेंड फेसबुक और इंस्टाग्राम भी जो है अभी बहुत हद तक जो है वो वीडियो शेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है सो दिजा द स्टॉक विच इज़ गोइंग ऑन एंड इस जगह पर गूगल जो है कभी भी नहीं चाहता कि दैट इट वांट्स टू बी प्रूव एज अ मोनोपली इन अ कंट्री जहाँ पर ये सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर पा रहे हैं और ये जो फ़ाइट है वो चलता ही रहेगा और यहाँ पर लॉबी जो है जो इंडियन कंपनीज है उनका लॉबी बहुत तगड़ा होना पड़ेगा ताकि इस जगह पे गूगल को अगर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके मोनोपोली किसी भी देश के लिए स्पेशली जो हमारी जैसे देश के लिए जहाँ पे गूगल यूट्यूब लिंकड इन फेसबुक ये सारे जो है अमेरिकन कंपनीज है और आपका सारा जो डेटा है आप यूटूब में देख रहे हैं आपका सारा डेटा जो है वो आपका गूगल के पास है यानी अमेरिका के पास है सो समथिंग अमेरिकन कंपनी के पास है सो समथिंग दैट नीज टू केयर ऑफ और रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडियन स्टूडेंट्स आर ओवर प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट इन यूएस यूनिवर्सिटी तो यूएस यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है बहुत दिनों से आपका ये चल रहा है बट जो प्रो पैलेस्टाइन आपका जो प्रोटेस्ट है यूएस यूनिवर्सिटी में वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा है इसके वजह से दिक्कत ये आती आ रही है कि भाई इंडियन स्टूडेंट्स अभी वो कंफ्यूज है कि भाई यूएस में भी भर्ती होना चाहिए या नहीं होना चाहिए रीज़न बिकॉज यूएस में टिपिकली जब भी कोई बच्चा या कोई भी स्टूडेंट जो है वो इंडिया से पढ़ने जाता है सो आर स्पेंडिंग नियर अबाउट वन वन करोड़ टू टू करोड़ और थ्री करोड़ मिनिमम वन करोड़ तो वो पैसा खर्चा करती है ट्यूशन फीस हो गया या एक करोड़ रुपये वो यूएस में खर्चा करता है तो बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे जाता है और यू में अगर कोई पढ़ाई लिखाई करने जा रहा है तो सबसे पहला चीज़ है कि उसके पास पैसा है दूसरा है उसके पास दिमाग है तो दिमाग है तो फिर वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने जा रहे थे एंड टिपिकली मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि दे वॉन्ट टू बिल्ड द करियर इन द एस एंड मोस्ट एवली दे वॉन्ट टू सेटल इन द एस तो अभी यू में जितने भी अगर यूनिवर्सिटी को अगर हम देखें इवन बड़े बड़े यूनिवर्सिटी अच्छे अच्छे टॉप टॉप के यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जो है आपका हार्वर्ड हो गया फिर आपका न्यूयॉर्क में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एम हो गया ये सारे जगह पर जो है ये कैंपस में आपका ये प्रो पैलेस्टाइन और uh, ये सारे एक्टिविटीज़ जो है जो टिपिकली आपको पता है कि कहाँ पे होता है जे एन यू जो इंडिया में होता है Uh, वो चीज़ जो आपका यूएस में हो रहा है सो so, और टिपिकली यहाँ पर जो बंदा इतना पैसा करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके पढ़ाई लिखाई करना चाहता है तो वो देखता है कि भाई अगर मुझे स्टेबल जगह नहीं मिलता है और इस जगह से मतलब मेरी यूनिवर्सिटी अगर यूनिवर्सिटी में मारपीट हो रहा है दंगे फसाद हो रहे हैं तो फिर इज़ इट रियली वर्थ इट बिकॉज इंडिया में अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई करते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई लिखाई करते हैं आई एम नॉट ऑनली फॉर दी आई एम आई आई एम और आई आई टी वहाँ भी यूनियन बची नहीं होता है बट अगर हम देखें कि जो भी आप गवर्नमेंट को भी देखो या आपका प्राइवेट में भी देखो तो वहाँ पे आप जो भी पैसा डालते हो ठीक है वहाँ पे इस तरीके से एक्टिविटीज़ uh, होते हैं बट दैट इज़ लाइक मोर ऑफ लाइक वी वी आर फिगर आउट ओके दिस इज़ पार्ट ऑफ आर कल्चर ये चलता ही रहेगा कोई बड़ी बात नहीं है बट अब जब यू एस में जाते हैं टिपिकली ऐसा नहीं होता है यू में मेरीटोक्रेसी ज़्यादा इंडिया में रिजर्वेशन है यू में मेरीटोक्रेसी है दैट्स वाई यू इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हमेशा वो एक स्टेप रहे है रहेगा हमें अगेंस्ट रिजर्वेशन यस रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन अगर आप मतलब एक एक स्टूडेंट को अगर फॉर एग्जांपल नाइन्टी परसेंट मिल रहा है और बिकॉज वो सर्टेन सेगमेंट से आता है और दूसरा बंदा जो है वो उसको थर्टी थ्री परसेंट मिला है फोर्टी परसेंट मिला है दोनों दोनों जो है वो सेम हो नहीं सकते तो मेरिटोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जहाँ पे मेरिटोक्रेसी है वहाँ पे ही आपका ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा कास्ट बेस्ड सिस्टम या कास्ट बेस्ड नहीं है जो रिजर्वेशन बेस्ड सिस्टम है वो एक हद तक आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल डेफिनेटली स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट उसके उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो मेधावी स्टूडेंट होते हैं जो डिजर्व करते हैं वो फिर क्या होता है वो छिटक जाते हैं फिर वो देश का या वो सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होता है जो आपको डेफिनेटली बताए देश कॉन्सेप्ट कॉल ब्रेन ड्रेन एंड ब्रेन ब्रेन ड्रेन तो हो ही रहा है ब्रेन ड्रेन के साथ साथ बहुत सारे जो पोटेंशियल है जो टैलेंट है वो बर्बाद हो रहे हैं तो प्रो पैलेस्टाइन जो प्रोटेस्ट है वो यूरोप में भी हो रहे हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है सॉरी यूएस में हो रहा है आपका यूरोप में भी हो रहा है स्पेशली आपका जो मोर लिबरल कंट्रीज है जैसे जर्मनी हो गया फ्रांस हो गया यूके हो गया नदरलैंड हो गया और वहाँ पे अभी जो है आ, आपको समझना पड़ेगा जब भी Uh, इस तरीके का जो है uh, मतलब फॉर एग्जांपल प्रो बैलेंस्टाइन प्रो पैलेस्टाइन नहीं बोलूँगा इस तरीके के जब भी आप वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं प्रोटेस्ट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट जब भी वो वायलेंट हो जाता है तो दूसरा जो तकमा होता है या दूसरा जो साइड होता है दे ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर वायलेंस बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर के सामने ठीक है आप कोई भी लेफ्ट विंग हो राइट right विंग हो किसी भी विंग हो डेंट रियली मैटर बट अगर आप देख रहे हो कि आपके घर के सामने वो आ, या आपके मोहल्ले में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है तो इट्स परफेक्टली फाइन आप एवरी वन हैज़ द राइट टू प्रोटेस्ट बट वो उसके ज मतलब वो प्रोटेस्ट अगर वायलेंट हो जाता है यानी दुकान चला रहे हैं आपके घर तक जो है बम फेंक रहे हैं तो फिर आप क्या करोगे आई यू हैव टू रन अवे वन ऑप्शन इज दैट यू हैव टू रन अकेंड ऑप्शन इज़ यू हैव टू कंट्रोल दैट सिचुएशन और जब भी आप कंट्रोल uh, करना चाहते हैं वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए हमेशा वायलेंस के ही इस्तेमाल करना पड़ता है और ये नॉन uh, वायलेंस का कॉन्सेप्ट एक्चुअली uh, चलता नहीं है टू बी ऑनेस्ट हिस्ट्री में हमें उल्टा से एक्चुअली पढ़ाया गया इंडियन हिस्ट्री में सो so, वायलेंस तो वैसा अगर होता मैं सिंपल आपको क्वेश्चन करता हूँ आप अगर, अगर बोलते हैं कि नॉन वायलेंस डज वर्क सो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था तो वहाँ पे uh, दुनिया में हमारे जो हिस्ट्री है वो मैनकाइंड में आपका एक बार ही ऐटम बम को यूज़ किया गया था तो एटम बम जो यूज़ किया गया था वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था वो यूज़ किया गया था वायलेंस वा को रोकने के लिए डेफिनेटली देर इज देवे टू एनी देवर टू ऑपोनन्ट्स विच फाइटिंग विद ईच अदर बट मतलब ये होता है ना जब तक दूसरा बंदा खत्म नहीं हो जाता तब तक आप लड़ते रहते हो तो वायलेंस कैन बी इक्वेटेड और न्यूट्रलाइजड विद द यूज़ ऑफ वायलेंस तो जब भी यहाँ पे आपका वायलेंस प्रोटेस्ट कहीं पे भी जब होता है तो फिर दूसरा जो साइड है दे ऑल्सो स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर वायलेंस एंड तो वो वायलेंस जो होता है उसकी वजह से आपका Uh, जान की जान मतलब लाइफ लॉस होता है फिर आपका प्रॉपर्टी लॉस होता है उससे आपका सोसाइटी का कोई बेनिफिट ऐसा कुछ नहीं होता है बट येस yes, बहुत सारे अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर कोई चीज़ बनता है आ, तो बहुत अच्छी बात है उसमें आपका चीज़ लगेगा बट वो अगर बना ही रहेगा अगर टूटेगा नहीं तो फिर नया चीज़ कहाँ कैसे बनेगा तो अगर नया चीज़ बनता है वो अगर फिर से टूटता है तो फिर से नया चीज़ बनेगा तो इसलिए आपने आप देखोगे कि जब भी आपका नेचुरल डिज़ास्टर होता है वॉर होता है तो जब वार चल रहा होता है जब नेचुरल डिजास्टर हो रहा होता है तब डिमांड नहीं होता है बट उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए उसको रिपेयर करने के लिए उसको फिर से रिकवर करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ एसेट यू नीड अ लॉट ऑफ मनी इसलिए आप देखोगे जब भी कहीं पर भी फ्लडिंग होता है या फॉर एक्जाम्पल वार होता है उसके बाद बहुत ही रैपिड लेवल का आपका इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पर लोन अवेलेबल होते हैं पैसा अवेलेबल होता है लोग उसको रीबिल्ड करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है सो समथिंग फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वार इज़ वेरी प्रॉफिटेबल डेफिनेटली इट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल एंड वायलेंस इज़ ऑल्सो वेरी प्रॉफिटेबल एज रीजन so, के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ऐसा नहीं किट ऑफेंस एडवोकेट ऑफेंस बट दिसन मेक मनील वॉर इज गोइंग ऑन डेफिनेट कैन मेक मनी थ्रू आर्म्स एंड आफ्टर वॉर इज गोइंग मतलब आप uh, देखोगे ना बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वार टू जहां पर बहुत सारी स्टील कंपनीज या कार मैन्यूफेक्चर फैक्ट्रीज को कन्वर्ट कर दिया था कन्वर्ट कर दिया गया था हेलमेट बनाने के लिए शेल बनाने के लिए बुलेट बनाने के लिए सो so, समझ रहे हैं ना बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ पर इसमें फायदा ये होगा कि अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्टे इन इंडिया बिकॉज आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे वहाँ पर भी सेम चीज़ है हाउसिंग हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव कैनाडा में भी जाएंगे इट हैज़ ऑल्सो वेरी इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव एंड वहाँ पे नियर अबाउट आप बोल सकते हो डिक्टेटरशिप शुरू हो चुका है Uh, जो आपका चाइना में जैसा डिक्टेटरशिप टाइप का शुरू हो गया एंड यू एस में बोल सकते हो एक सेमी कल्चर है बिकॉज यू एस में गन कल्चर है सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एनफोर्स दैट काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप इन यू एस बिकॉज पीपल एवरी वन इज़ आमड दें स्पेशली रूरल अमेरिका इज़ एक्सट्रीमली आमड है तो एंटीफा ये सारे जो है जो राइट्स होते हैं वो टिपिकली आपका अर्बन सेंटर्स में ही होता है अर्बन पॉकेट्स में ही होता है रूरल एरियाज में इस तरीके का आपको जो है एक्टिविटीज टिपिकली आपको देखने को नहीं मिलेगा और क्योंकि सबके पास गन्स हैं डन सेजन पिस्टल नहीं सबके पास है राइफल है शॉट गन है सो पीपल नो दैट वट पीपल वट अदर पीपल कैन डू सो इसलिए आपका रूरल एरियाज़ में इतना सारा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा जो राइट्स होते हैं वो आपका रूरल एरियाज़ में आपको इवन uh, आप इन्फिल्ट्रेशन भी देखोगे जो आपका साउथ के बॉर्डर से हो रहा है वो भी इन्फिल्ट्रेशन आपको फ्लोरिडा या सब साइड में नहीं देखने को मिलेगा टिपिकली टेक्स में भी नहीं देखने को मिलेगा बट कुछ कुछ जो है आपका फिनिक्स uh, एरिजोना या जो भी आपका uh, डेमोक्रेट वाले जो कैलिफोर्निया ये सारे जो हैं वहाँ से आपको इन्फिल्ट्रेशन अच्छे लेवल पर तगड़े लेवल पर देखने को मिलेगा सो दीजा दिस्ट विच इज़ गोइंग ऑन इन दू एस एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ़ इट और यहाँ पर जितने भी कंसल्टेंसी सर्विस हैं दे आर गोइ टू फिगर आउट कि भाई हमें कहाँ भेजना है रशिया इज़ अ वेरी गुड प्लेस चाइना इज़ ऑलसो काइंड ऑफ वेरी गुड प्लेस वहाँ पर भी आपका डॉक्टर बनने जाते हैं रशिया में भी जाते हैं फिर आपका जो uh, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो जो आपका ईस्ट यूरोप है ईस्ट यूरोप है जिन अल्बेनिया की बात नहीं कर रहा हूँ बट ईस्ट यूरोप में आपका पोलैंड हो गया जहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन उतना नहीं है पोलैंड में नहीं है फिर आपका जो सर, सर्बिया बोल सकते हो सर्बिया या जो ईस्टर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एम विच आर लिटिल बिट बेटर दैन इंडिया वहाँ पर लोग जा रहे हैं दे आर गोइंग स्टंडिंग दैर दे आर ट्राइंग टू बिल्ड द लाइफ दर सो समथिंग दीज एजुकेशनल कंसल्टेंसीज़ आर गोइंग टू मेक मनी फ्राम डीजल एंड पेट्रोल का एक्सपोर्ट जो है उसका रेवेन्यू ट्वेंटी परसेंट गिरा है पर उसका वॉल्यूम नहीं गिरा है रीजन बिकॉज आपका इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो कम है और जैसा आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है इट इज़ दी वन ऑफ दी वर्ल्ड्स रिफाइनर्स रिलायंस का जो भी आपका जामनगर में आपका तेल रिफाइन होता है टिपिकली नाइनटी uh, uh, जो है आपका रिफाइन होकर निकल जाता है इंडिया में कोई तेल घुसता नहीं है बहुत ही जो कम अमाउंट का तेल जो है वो आपका लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि मिडल ईस्ट हमारे पास है तो मिडल ईस्ट से टैंकर के माध्यम से यहाँ पे आता है और रिफाइनिंग इज़ अ पोल्यूटिंग बिजनेस तो जितने भी हमारे रिफाइनरीज हैं रिफाइनरीज हैं यहाँ पे रिफाइनिंग होकर फिर आपका यूरोप या दूसरे जो देश है साउथ अमेरिका ये सारे देश जिनके पास कैपेसिटी नहीं है दूसरा है कि कैपेसिटी होने के बाद भी वो वहाँ पे नहीं करना चाहते बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पोल्यूशन सो वो क्या करते हैं इंडिया में आपका उसका रिफाइनिंग करके फिर उसको अपने देश में मंगा लेते हैं और फिर इसको, इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं और हमें क्या देखने को मिल रहा है अनियन के ऊपर जो बैन था उसको आपका आपका लिफ्ट कर दिया गया है साइटिंग लाइकली शॉर्टेज तो अगर लिफ्ट कर दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है और क्योंकि समझ में आ रहा है कि जो रिसेंटली मैंने बनाया था बताया था कल परसों बताया था कि चना दाल जो है ऑस्ट्रेलियन फार्मर जो है अभी शो कर रहे हैं बिकॉज इंडिया में डिमांड होने वाला है सो एवरी इज़ रिलेटेड टू इच अदर सो यू नीट टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट कि भाई कहाँ पर पैसा हम जो है वो बना सकते हैं सेलेब्स एंड इन्फ्लुस विल भी है लाइफ लाइवल फॉर मिसलेनियर्स सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वार्निंग दिया है बट ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा बिकॉज uh, इसमें फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो इन यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका अपना अपना पॉकेट है मे वी दो लाख तीन लाख पाँच लाख दस लाख आपके सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं उनको जो है वो लेवरेज किया जाएगा एंड अगेन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो फॉरेनर्स हैं यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन है ऑस्ट्रेलियन है जो टिपिकली अगर हम देखें क्रिकेट प्लेयर जो वेस्ट इंडीज़ के जो है प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के जो है यूरोप के जो है आपका इंग्लैंड के जो है दे आर ऑल्सो प्रोमोटिंग लॉट ऑफ एप्स इन इंडिया एंड उनको आप कैसे लाइबल कर सकते हो बिकॉज वो तो कहेंगे कि हम तो इस देश के नहीं हैं तो मैक्सिमम यू कैन डिपोर्ट दें दूसरा ये है कि उनका उनको वीज़ा आप जो है वो कैंसिल कर सकते हैं एंड टिपिकली आई पी एल के अलावा दे डोंट हैव मच टू लुक फॉर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मोनिटरी गेन और इसको आप इन्फोर्स कैसे करेंगे दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू भी टिकेन केयर ऑफ बिकॉज ऑन गुड फेथ जो है जब आप कोई भी प्रोडक्ट का सर्विस इन्डोर्स करते हैं तो आप गुड फेथ में करते हैं तो फिर अगर हर एक चीज तो जानना सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा तो और क्या कौन क्या कर रहा है किसी को कैसा पता चलेगा बट दीज थिंग्स आर फाइन बट इसको इन्फोर्स करना इसको एक्चुअली में विवाइलेट करना एंड बेसिकली आपको कन्विक्ट करना इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट सो हाउ दे आर गोइंग टू मेक देम लाइबल बिकॉज ऐसा अगर होगा तो पान मसाला गुटखा का जो या दारू का जो एडवर्टीजमेंट होता है तो वहाँ पर भी तो वही चीज़ कर सकते हैं ना कि पान मसाला खा के तो लोग कैंसर हो गया तो मरी रहे हैं लार्जर पॉपुलेशन इज डाइंग बिकॉज ऑफ कैंसर एंड हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं बट उसके लिए हाउ कैन यू मेक दिलब्रिटी लाइबल भाई वो बोल रहे कि uh, जुबा, जुबान क्या है आपको पता है मैं बोल रहा हूँ तो वो जुबानी बोल रहा है वो ये तो नहीं बोल रहा आप खा, खाओ उसको और वो तो बोल रहे ये तो इलायची है वो तो ये नहीं बोल रहा कि आपका पन मसाला है तो वो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो सो दिस इज़ हाउ इट वर्कस एंड दिस इज हाउ दिस इज द ब्यूटी एंड दिस इज़ वट वी कॉल कल्यूग ए आई लुफ्तानज़ा डिपेंडाइज टू मतलब यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि हम जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रूट जो है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं और लुफानज़ा जो है वो आपका जर्मन uh, ज, जर्मनी का कंपनी है ए आई जो है वो इंडिया का है और ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रूट में काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा बोल सकते हो कि एयरलाइन कंपनी है वो है कंटास का, या कंटास या जो भी है कंटास क्यू ए एन टी एस कंगारू जो उसका लोगो में है कंटास है तो अभी ये देखने को मिलेगा लुफ्तान इज आल्लो गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम लुफ्तान इज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम ए आई बी जो है इट इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम सो दे नीड टू कोलेबरेट विद ईच अदर टू सरवाइव एंड सस्टेन डिक्सन ने आपका नोकिया के साथ पंद्रह सौ करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है डिक्सन जो है अगेन वी कैन सी सम पॉजिटिव सेंटीमेंट है और वो पंद्रह सौ करोड़ का वो डील उन्होंने किया है तो टेलीकॉम इक्विपमेंट जो है वो इंडिया में वो मैनुफेक्चर करेंगे जो आपका प्राइमरली बी या अलग अलग जो वोडाफोन है उनको जो है वो सेल ऑफ कर दिया जाएगा एफ एम का जो शेयर है वो दस उठा है बहुत अच्छी बात है एंड अगेन टेम्प्रेरी मेरे को लगता है ये टेम्प्रेरी है लेट्स सी सुमित ओमित सु इन्वेस्ट तेरह सौ करोड़ इन एफ एम एस एम एफ जी इंडिया क्रेडिट सो जापान से बहुत पैसा आ रहा है क्योंकि वहाँ पे डिफ्लेशन चल रहा है सो जापान से बहुत बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इंडिया में आ रहा है बिकॉज इंडिया रिलेशन डिप्लोमेटिक रिलेशन भी अच्छा है और एंड दे वॉन्ट अ वेरी स्टेबल इकोनॉमी बिग मार्केट एंड अपकमिंग ग्रोइंग मार्केट सो इंडिया इज़ वन ऑफ द यू नो बेटर मार्केट अक्रॉस मार्केट इन द वर्ल्ड टेलीकॉम सेक्टर में भी जो है पैसा आ रहा है कोरा पैसा डालेगा यहाँ पे एंड यू कैन एक्सपेक्ट दैट कुछ जो है वहाँ पे हल्का मूवमेंट होने वाला है क्योंकि ज़्यादा प्लेयर तो है नहीं वहाँ पर बट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो एन इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है कि भाई किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है एन का फिर से स्पाइस जेट का जो है एयर कासल ने एक पटिशन लगाया एन में तो फिर पंद्रह दिन का टाइम दिया है स्पाइस जेट तो भाई इसका तो एक के बाद एक एन में इसका तो आपका पटिशन रहा है पटिशन जा ही जा रहा है जा ही रहा है सो इट नीट्स टू फिगर आउट इन भी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बहुत सारा न्यूज है जो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा तो डेफिनेटली जाइए और हमारे वेबसाइट में जाकर सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे एक मेंबरशिप के माध्यम से और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए उसी के साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर आप जुड़ सकते हैं वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर बाय जय दैन आई विल सी यू टुमारो